इज रेडी। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम चला रहे हैं जावा का पेराक, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग बाइक अवेलेबल इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेक्स बता के बोर नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो में हम लोग रियल लाइफ रिव्यू के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि शुड यू बाय जावा पेराक और नॉट। तो ये वीडियो दो हिस्से में बटी होगी एज यूजुअल, प्रोज एंड कॉन्स, जो इसके एडवांटेजेस हैं, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, अच्छी बातें बुरी बातें। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अच्छी बातों से। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है यार कि बाकी सारी चीज़ें बाद में, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक एंड इट इज़ अ हेड टर्नर। मतलब आप जहाँ भी जाओगे ना, आप बिना नोटिस हुए तो वापस आओगे नहीं, चाहे वो इसका एग्जॉस्ट साउंड हो, चाहे वो इसकी लुक्स हो, अपीलिंग हो, चाहे वो सिंगल सीट बॉबर टाइप क्रूज़र बाइक है ना जो ये, तो मतलब इतना तो पक्का है कि आप जिस चीज़ पे पैसे खर्च रहे हो वो आपकी बेकार तो जाने नहीं वाली, दिस इज़ फॉर श्योर। बहुत सुंदर है लिटरली। और जिस राइड से मैं वापस आ रहा हूँ उस राइड पर मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास से हम निकले हैं और उन्होंने इस बाइक को ना देखा हो, और दिस आई कैन गारंटी यू इट इज़ अ हेड टर्नर। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यार इट इज़ अ वेरी पावरफुल बाइक, इवन आई थिंक इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल बाइक इन दिस सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसका जो इस प्राइस रेंज में आता है, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये। आप जैसे इस पे बैठते हो, जैसे आप इसको चलाओगे, चाहे वो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ इट इज़ अ पावरफुल बाइक। और जो पहाड़ों में इसको चलाने का मज़ा है वो आपको चला के ही पता लगेगा। एंड इसके एग्जॉस्ट नोट से एक बात याद आई कि यार इसके एग्जॉस्ट नोट में ना एक बहुत ही बढ़िया साउंड आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है, जैसे जो सुपर बाइक्स की जब आप हाई थ्रॉटल पे छोड़ते हो उसको वापस रेस्ट पे, तो बीच में एक पटाखे जैसी साउंड आती है ना, वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। यार फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, हम लोगों को हाईवे पे इस टाइम पे 35 अबव की फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है, एवरेज 35 किलोमीटर पर लीटर से बेटर एवरेज दे रहा है इस टाइम पे। पहाड़ों पे थोड़ी सी कम हो गई है, वो हम लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं की, बट हाँ हाईवे पे 35 से ऊपर है। मे बी शायद सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी डबल एग्जॉस्ट और उसके बाद इतनी पावर, तो इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। जो फोर्थ इसका बहुत बड़ा एडवांटेज लगा मेरे को वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है सिर्फ जावा के सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो जावा के जितने भी मॉडल आए हैं, चाहे वो 42 हो, क्लासिक हो, चाहे वो पेराक हो, उन तीनों में से पेराक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। एक तो सिंगल सीटर है और ऊपर से सीटिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है, बिकॉज एकदम स्कूटर वाली जैसे पहले सीट्स आती थी ना, जो आपका हिप एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेती हैं, तो अच्छा सपोर्ट मिल जाता है लॉन्ग राइड में। क्रूजिंग करने के लिए इट इज़ वेरी गुड। बस सिटिंग कंफर्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको थोड़ी सी हैंडल एडजस्टमेंट करवानी होगी, बिकॉज हैंडल इसके थोड़े से अपराइट होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके जो ट्रैप्स होते हैं शोल्डर ऊपर को अपलिफ्ट रहते हैं और वो आपके थोड़े से स्टिफ हो सकते हैं अगर आप इसका एडजस्टमेंट नहीं करवाते और इसी को ही थोड़ी लंबे राइड पर क्रूज़ करोगे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो छोटी मोटी एडजस्टमेंट है, छोटी बहुत ट्यूनिंग तो बंदा बाद में करवा सकता है आराम से। बाकी सिटिंग कंफर्ट में इसके लेग प्लेसमेंट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, लेग प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया जगह है और इतना कोई हीटिंग भी नहीं आती है लेग्स पे, सिंगल सिलेंडर है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेडिएटर अच्छा काम करता है, कूलिंग बहुत बेटर है बाइक की। मतलब एक दिन में आप लोग आराम से इसको 500 किलोमीटर इसको क्रूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिले इन पावर डिलीवरी। होता है कई बार ना इंजन मिस मारना शुरू कर देता है ओवरहीट होने की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ अ वेरी गुड इंजन। तो यार ये तो सारी बातें हो गई इसकी एडवांटेज की, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे की बातें हो गई, काफ़ी अच्छी बातें हो गई वैसे अच्छे के लिए, अब बुरे की बातें कर लेते हैं। तो जहाँ से शुरू किया था एडवांटेजेस में, वहीं से डिसएडवांटेज में भी शुरू करते हैं। इसका डिज़ाइन देखो, ये लेने से पहले सबको पता होगा कि हाँ ये सिंगल सीटर क्रूज़ बाइक है और बॉबर बाइक बोलते हैं इनको, और इसमें कोई सेकंड सीट या फिर लगेज का ऑप्शन नहीं है। कंपनी वालों ने ये प्रोवाइड ही नहीं किया है, मतलब ऐसी कोई एक्सेसरी आती भी नहीं है। और बाहर जो आफ्टर मार्केट वाले लगेज के चाहे लगा लो, चाहे सेकंड सीटिंग के लगा लो, वो इतने कंफर्टेबल भी नहीं है और इतने रिलायबल भी नहीं है। ड्यूरेबिलिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप लंबे रूट के लिए इसको मॉडिफाई करा रहे हो और आपके पीछे कोई बैठा है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिलायबल कि आप उसको, मतलब लाइफ रिस्क हो जाता है यार। तो इसलिए मुझे नहीं सही लगता आफ्टर मार्केट इतना बड़ा जुगाड़ करवाना। कंपनी को कुछ ना कुछ इसके अर्गोनॉमिक्स में, डिज़ाइन में कुछ ना कुछ ऑप्शन रखना चाहिए था कि अगर ये बाइक में कोई भी ऐसा चेंज करवाना चाहता है तो। मेरा ये मानना है, क्योंकि दो ऑप्शन होते तो ज़्यादा बेटर रहता कि अगर सिंगल सीटर चलाना है तो आराम से सिंगल सीटर लेके जा सकता है। अब देखो क्रूज़र बाइक है तो ऑब्वियसली बात है क्रूज़ करेगा बंदा थोड़ी लंबे रूट पर ही क्रूज़ करेगा, लंबे रूट पर जाएगा तो थोड़ा बहुत सामान भी उसको चाहिए होगा, तो सामान तो इसमें सिर्फ टैंक बैग ही आ सकता है, मेटल का टैंक है तो टैंक बैग आ जाएगा इसके ऊपर।
बाकी तो और कुछ सामान नहीं आएगा, आपको बैकपैक ही टांगना पड़ेगा। और आई स्ट्रॉन्गली डू नॉट रिकमेंड बैकपैक आप लॉन्ग राइड पे रखें, एक तो आपका मसल पेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिस्कम्फर्ट होता है यार, राइड करने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, कोई सज़ा थोड़ना है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो भी इसकी डिज़ाइन को लेकर है, जो इंजीनियर्स के साथ ये जो आई थिंक प्रॉब्लम हुई है या फिर ये थोड़ा इंजीनियरिंग फेल टाइप है, क्योंकि इसका जो रियर टायर का जो ऊपर मडगार्ड होता है ना मेटल वाला, और वो जो अभी आप फोटो में देख रहे होंगे मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो ना जब कोई ज़्यादा बड़ा बम्प आता है ना, बहुत मतलब जैसे लो ग्राउंड क्लियरेंस बाइक है ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बम्प आता है तो वो पीछे वाला शॉकर एकदम ऊपर को उठता है, वो अलग ही घूमता है टायर, पीछे वाला मतलब अलग ही उठता है टायर, उसका अलग ही हिसाब किताब है, बाइक इतना नहीं हिलेगा जितना पीछे वाला हिलता है, जो कि बात अच्छी भी है, शॉक अब्जॉर्बेंट इसके ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी दोनों मॉडल्स के। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो जिस सीट पर मैं बैठा हूँ और जो मेरे सीट के नीचे लाइट है, जावा की सीट के जो रियर लाइट है ना, वो मेरी सीट के नीचे ही है, ड्राइवर सीट के नीचे ही होती है, तो वो मड़गड़ आके इतनी तेज उस लाइट में लगता है, कभी कभी तो मेरे को लगा कि टूट के ही गिर जाएगी लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा तेज लगता है बड़े बम्प में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप ये बाइक लेते भी हो, क्योंकि इस चीज़ का कोई जुगाड़ नहीं है, आप वो लाइट वहाँ से नहीं हटवा सकते और ना ही आप इसको रोक सकते हो वहाँ पे लगने के लिए। बीच में अगर आप कुछ रबर वगैरह भी कुछ भी लगवाओगे यार, तो वो बॉडी को ही डैमेज करेगा, तो वो रिस्क है, वो हमेशा रहेगा इस बाइक के साथ जब तक ये लोग अपडेट करके मॉडल नहीं निकालते। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि ये लो ग्राउंड क्लियरेंस बाइक है, तो यही इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है यार, कि इतना पैसा आप दे रहे हो ठीक है, 2.5 लाख के आसपास का बाइक है ये, और इसमें भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के हिसाब से नहीं मिल रही है, क्रूज़र बाइक है आई नो थोड़ा सा लो ग्राउंड क्लियरेंस में ही होते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही लो ग्राउंड क्लियरेंस है, इतनी तो ख़राब रोड पर मैंने चलाया भी नहीं है, अभी मैं डलहौजी वाली जो राइड पर आया था तो उस पर ठीक ठाक ही रोड थी, बीच में थोड़े बहुत पैचेस ख़राब थे, बट स्टिल वो लो ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से वो नीचे कई बार ही लगा और काफ़ी बुरी तरह लगा, अगर नीचे इंजन बैश प्लेट नहीं दी होती तो आई एम श्योर के इट वुड हैव हर्ट द इंजन, इंजन में प्रॉब्लम आ जाती, या तो जो साइलेंसर के पाइप्स हैं, एग्जॉस्ट के जो पाइप्स आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई बैंड आ जाता, आई एम 100% श्योर कि ये प्रॉब्लम आती ही आती अगर वो बैश प्लेट ना होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखो यार, अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो तो पॉट होल्स आपके दुश्मन हैं, पॉट होल से थोड़ा सा दूर रहना, और इंडिया में पॉट होल से दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल ही है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम लोग 2021 में रह रहे हैं और इस टाइम पे हैलोजन या फिर बल्ब वाले जो इंडिकेटर या जो हेडलाइट्स हैं वो देना आई थिंक स्टूपिडिटी लगती है, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, आई थिंक मैं कोई इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ बट आई थिंक कि उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है और उसका थ्रो भी इतना अच्छा नहीं होता है, और इसमें वही दोनों दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स भी LED नहीं है और हेडलाइट भी LED नहीं है, बस जो टेल लाइट है वो LED है, तो टेल लाइट का तो हमने क्या ही करना है, वो तो पीछे वाले ने देखनी है, ये दोनों चीज़ें मेरे को लगता है मिसिंग है, और एक हैजार्ड वाली चीज़ भी देनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक टॉप एंड बाइक बना रहे हो अपने कंपनी का, तो उसमें आजकल 2021 में हैजार्ड वाली चीज़, हैजार्ड फ्लैशर जो होते हैं या फिर हैजार्डस इंडिकेटर जो होते हैं वो आप लोगों को ज़रूर देने चाहिए। और हाँ, इसमें डबल स्टैंड नहीं है और इसमें ऑप्शन आता भी नहीं है डबल स्टैंड का, तो ये सिर्फ साइड स्टैंड वाला है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ये पंक्चर वगैरह के टाइम पे, टायर रिप्लेसमेंट या कुछ भी ऐसे रिपेयर के टाइम पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा हर जगह पैडॉक नहीं लेके जा सकता, और अभी हम लोगों के रास्ते में चेन टाइट का भी सीन हो गया था, तो हम लोगों को वो भी बड़े जुगाड़ से करवाना पड़ा, बिकॉज पैडॉक सबके पास नहीं होता है, स्पेशली जब आप पहाड़ों में आते हो तो वहाँ पे इतने अच्छे सर्विस सेंटर्स बहुत कम मिलते हैं रास्ते में, अगर कोई बड़ी सिटी होगी सोलन शिमला या ऐसी कोई सिटी होगी तो वहाँ मिल जाएगा पैडॉक वगैरह वाला, बट इस साइड जो बीच में छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ पे आपको पैडॉक नहीं मिलने वाले, तो ये भी एक थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार ये था वीडियो, मैं आप लोगों को एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ पॉइंट्स बताना चाहता था, और एक लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने पहले जावा क्लासिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों ने बोला था कि उनको स्पीडोमीटर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो चीज़ आप लोग एक बार देख लेना, एक बार आप टेस्ट राइड वगैरह लेंगे ना तो आपको स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ वो आपको पता लग जाएगा, और बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, मेरे को इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, पावर बहुत ही अच्छी है, पावर डिलीवरी बहुत ही मस्त है यार, सिंगल सिलेंडर होके भी इतनी अच्छी पावर डिलीवरी है, सबसे बड़ी बात तो ये है, सिंगल सिलेंडर में आपको डबल एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो दैट्स इट, आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प की हो टू डिसाइड वेदर यू शुड बाय अ जावा पेराक और नॉट, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।